दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप अगर चाय पत्ती का नया व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे हो तो अपने नाम से आपको ब्रांड कैसे बनाना है। हर एक चाय बिजनेसमैन जो नया स्टार्ट करता है उसके दिमाग में एक चीज जरूर रहती है कि मुझे अपने खुद के नाम से जो है प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है। आपके भी दोस्तों वीडियो देख रहे हैं, आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में भी ये बात कहीं ना कहीं होगी। या तो अभी आप लूज टी में अपना व्यापार कर रहे हैं या फिर आप किसी और का ब्रांड लेके और उसको अपने मार्केट में सेल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये जरूर लगता है कि मुझे भी अपने नाम से ही ब्रांड मार्केट में निकालना है, अपने ही नाम से ब्रांडिंग करनी है। तो दोस्तों कैसे होता है वो, क्या क्या प्रोसीजर उसके लिए फॉलो करने पड़ते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट उनके लिए रिक्वायर्ड रहते हैं, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि अपने नाम से आपको ब्रांड करना है तो वो किस टाइप से करें और उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। तो दोस्तों जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आपको रहेगी वो FSSAI का जो लाइसेंस है उसकी रहेगी। आपको पता है फूड सिक्योरिटी का जो लाइसेंस है वो आपको सबसे पहले लेना पड़ता है। अगर आप दोस्तों किसी और का ब्रांड मार्केट में चला रहे हो, किसी और थर्ड पार्टी का आप डिस्ट्रीब्यूटर ले रखा है, आपने डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपके पास है, तो आपको वो लाइसेंस लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप खुद के नाम से अपना एक ब्रांड मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो तो उसके लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपको सबसे पहले FSSAI का जो लाइसेंस है वो जरूर लेना पड़ेगा। तो ये तो दोस्तों फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद में दूसरा रिक्वायरमेंट दोस्तों रहता है कि हम जो नाम रखें, जो भी ब्रांड से अपना नाम रखें वो क्या रखें, तो वो दोस्तों आपको डिसाइड करना रहता है कि किस टाइप से आपको नाम अपने फैमिली मेंबर का नाम रखते हो या फिर आप जो भी XYZ नाम रखते हो वो नाम इतना यूनिक होना चाहिए कि कहीं पे भी कॉपीराइट जो है उस पर नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कोई भी एग्जिस्टिंग बड़ा ब्रांड चल रहा है आपने उसी के नाम को उठा के और यूज कर लिया और मार्केट में लॉन्च कर दिया, तो उसमें दोस्तों क्या है आने वाले टाइम में कॉपीराइट आ जाएगा और आप बड़ी समस्या में फंस सकते हो। तो इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अपने ब्रांड का नाम रखें तो ऐसा नाम रखना चाहिए आपको जो कि मार्केट में बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू उसकी नहीं हो और आपको कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं दे। अदरवाइज अगर कोई किसी का आपने यूज कर लिया तो वो आपको बड़ी समस्या में डाल सकता है। तो दोस्तों आपने नाम सोच लिया, उसके बाद उस नाम को आपको ट्रेडमार्क करवाना होता है। ट्रेडमार्क बेसिकली आपका जो ब्रांड होगा उसका लोगो होता है, उस लोगो में जो नाम रहेगा उसका ट्रेडमार्क होता है हमेशा। ये बात को आप क्लियरली समझ लें। जब भी आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, ट्रेडमार्क का जो खर्चा है दोस्तों मैं बता दूं आपको, अभी जो मार्केट में है 10,000 से 15,000 रुपए के बीच में आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिससे कि आपको पेटेंट मिल जाता है कि ये वाला जो लोगो और ये जो नाम है उसको आप अपने ब्रांड अपने पैकेट पे अपनी पैकेजिंग पे चला सकते हैं। उसमें अलग अलग क्लासेस होती हैं, आप जिस भी क्लास से रजिस्ट्रेशन कराते हो आपका FMCG में जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके अलग अलग क्लासेस बनी हुई हैं, उन्हीं क्लासेस में आपको ट्रेडमार्क मिलता है अगर अवेलेबल होता है। इसमें भी ये कंडीशन रहती है, तो आपको बिल्कुल डिफरेंट नाम रखना है और बिल्कुल डिफरेंट आपका लोगो डिजाइन करवा के फिर आपको ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है। दूसरा जो पॉइंट था आपका वो हो गया आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में आपका जो आपने नाम सोचा था वो आपका रजिस्टर होकर आपको मिल जाता है, तो दूसरा आपको ये हो गया। लेकिन जब आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो दोस्तों तो उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है GST रजिस्ट्रेशन की, वो आपको होना बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके लिए आपको GST रजिस्ट्रेशन होना उसके लिए बहुत मैंडेटरी है, तो आपको उससे पहले GST में रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। GST में जो रजिस्टर होता है दोस्तों वो होती है आपकी फर्म का नाम। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो ट्रेडमार्क है वो आप देख रहे होंगे KTC भारत के नाम से है और हमारी जो फर्म का नाम है वो केशव ट्रेडिंग कंपनी है, तो जो GST रजिस्टर होगा दोस्तों वो केशव ट्रेडिंग कंपनी के नाम पे होगा, लेकिन जो ट्रेडमार्क मिलेगा आपको वो ट्रेडमार्क KTC भारत में केशव ट्रेडिंग कंपनी के नाम से आपको मिलता है। तो ये दोनों डिफरेंट थिंग है, तो आपको सबसे पहले GST में रजिस्टर जरूर करवाना, उसके बाद में ही आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना। तो ये तीन रिक्वायरमेंट्स आपकी हो गई। पहला आपका जो था वो आपने लाइसेंस ले लिया FSSAI का, उसके बाद आपका GST रजिस्ट्रेशन हो गया और तीसरा जो है आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन हो गया दोस्तों। तो ये जो तीन रिक्वायरमेंट थी ये आपको ब्रांड आपकी अगर बनानी है आपको तो ये तीन रिक्वायरमेंट आपको जरूर फुलफिल करनी है। चौथा अगर हम बात करें तो उद्योग आधार के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, तो उसमें भी आपको रजिस्टर करना अनिवार्य है। तो आप जब भी अपने ब्रांड के बारे में सोचते हैं कि मैं अपने खुद के नाम से ब्रांड मार्केट में लॉन्च करूं, तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बता दी हैं। तो आपको जो चौथी रिक्वायरमेंट थी वो है आपका उद्योग आधार। उद्योग आधार फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है मार्केट में, आप किसी भी मित्र में जाके उसको बनवा सकते हैं, कोई फी उसकी नहीं होती है, बस खाली मित्र चार्ज जो करेगा वो खाली चार्ज लगता है, बाकी आपकी जो फर्म के नाम से और आपके एड्रेस प्रूफ पे वो उद्योग आधार बनता है। आपका उद्योग करने के लिए आपको उद्योग आधार लेना जरूरी रहता है। तो ये दोस्तों आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। GST में आप जब रजिस्टर करवा रहे हो
आप अगर दो पार्टनर मिलकर काम करते हैं दोस्तों, तो आपको पार्टनरशिप फर्म बनानी है। आप अगर अपना इंडिविजुअल उद्योग लगाना चाह रहे हैं तो आपको प्रोप्राइटरशिप में रजिस्ट्रेशन करवाना है। बाकी अगर आपका जैसे जैसे ज्यादा बजट है तो आप प्राइवेट लिमिटेड में भी जा सकते हैं और LLP फर्म वगैरह में भी जा सकते हैं। बाकी स्टार्टिंग में आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, आप प्रोप्राइटरशिप में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ट्रेडमार्क लें, जो भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी मैंने बता दी आपको, वो लेके ये सारी आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप जब कलेक्ट कर लेते हैं मार्केट में, उसके बाद अब आपको अपनी ब्रांड लॉन्च करने के लिए डिसाइड करना है कि आप किस टाइप की पैकेजिंग में जाना चाहते हैं। अगर मैं पहली पैकेजिंग की बात करूं दोस्तों, तो इस टाइप के पाउचेस आप बनवा सकते हैं, इसमें आपको जो भी साइज बनवानी है। इसके ऊपर दोस्तों मैंने कंप्लीट वीडियो बना के अपने चैनल पर डाली हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आपको लिंक शो रहा होगा, उसमें जाके देखेगी ये वाले जो पाउचेस हैं उनकी सिलेंडरिंग और पाउचिंग में आपको कितना खर्चा होने वाला है। तो दोस्तों एक तो आपका ऑप्शन ये हो गया। दूसरा, आप दोस्तों इस टाइप के मोनोबॉक्स भी बनवा सकते हैं, इस टाइप के मोनोबॉक्स भी बनवा के और आप अपना प्रॉपर ब्रांडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सारा कुछ लाइसेंस नंबर और आपकी जो भी फर्म रजिस्ट्रेशन का जो रहेगा वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दो ऑप्शन है दोस्तों आप लोगों के लिए पैकेजिंग्स के, खुद के नाम से ब्रांड लॉन्च करने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये दोनों जो है, एक तो हो गया आपका पाउच पैकेजिंग वाला, एक हो गया आपका मोनोबॉक्स पैकेजिंग। इनमें से दोस्तों जो सस्ता वाला जो ऑप्शन है वो है मोनोबॉक्स पैकेजिंग का। मोनोबॉक्स पैकेजिंग आप आसानी से बनवा सकते हैं मार्केट में, बहुत कम कॉस्ट में आपको मार्केट में मोनोबॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे, जिससे कि आप अपनी एक ब्रांड की शुरुआत कर सकते हो। आप भले एक साइज के साथ करो लेकिन एक जो नाम है वो आपका मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों अच्छा लगा और आपका भी कोई दोस्त है जो कि इस टाइप के बिजनेस में आना चाहता है, चाहे वो मसाला हो, चाहे चाय हो, चाहे राइस हो, या और भी कोई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें उनको अपना ब्रांड लॉन्च करना है मार्केट में, तो उन तक मेरी ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। और इसी टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पे जरूर बने रहें। नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।